तो गाइज आज हम लोग करवाने वाले हैं कुछ एंटिटीज के बीच में फाइट। यस गाइज आपने सही सुना, और इस फाइट में होने वाले गाइज हमारे पास हीरो ब्रांड एंटिटी ओमेन नल होगा और भी गाइज कुछ एंटिटीज जो कि आप लोग जानते ही होंगे। और गाइज इस कंपटीशन में होने वाले टोटल 3 राउंड, और गाइज तीनों राउंड में कुछ अलग अलग एंटिटीज आपस में फाइट करेंगी। देखते हैं गाइज कौन जीतेगा। वैसे गाइज आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बता देना कि आप लोग किसके साथ हो। और गाइज अगर तो आप लोग इस वीडियो में रिस्पॉन्स अच्छा दिखाते हो तो गाइज इसका पार्ट 2 भी आने वाला है, जिसमें गाइज और भी एंटिटीज को मैं लेकर आऊंगा। तो गाइज बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारे पास आज कौन कौन से एंटिटीज हैं। तो ओके गाइज राउंड 1 में एक तरफ से लड़ने आने वाली है काइरो, जो कि गाइज अपनी हैकिंग पावर की वजह से बहुत ही ज्यादा मशहूर है। और गाइज वहीं दूसरी तरफ आने वाली है कैनी, जो कि गाइज आपको पता ही होगा कितना ज्यादा पावरफुल एंटिटी है। ओके तो गाइज इन दोनों के बीच में ये मुकाबला शुरू करते हैं, देखते हैं गाइज कौन जीतेगा। ओके 3 2 1 स्टार्ट। ओके गाइज ये लोग फाइट, भाई साहब अपनी अपनी फाइट शुरू कर चुके हैं। और गाइज इनको देखो अपनी अपनी अलग अलग पावर यूज कर रहे हैं। वैसे गाइज आप लोग कमेंट में जल्दी से जाकर बताओ कि आप लोग इन दोनों में से किसके साथ हो। भाई साहब ये कैनी क्या ही फायर मार रहा है। एक मिनट गाइज ये काइरो को देखो अपनी पावर की मदद से कैनी की बॉडी में पता नहीं गाइज कोई तो लेजर टाइप कुछ तो फेंक रहा है। एक मिनट गाइज ये कैनी को देखो, मेरा मतलब काइरो को देखो, ये तो आसमान में उड़ रहा है अपनी स्वर्ड की मदद से। अबे भाई कैनी भी। ओके गाइज ये काइरो ना, मुझे ऐसा लगता है कि कैनी को पूरा हैक करना चाहता है। ये जो आप लोग लाइन देख रहे हो ना काइरो के अंदर से निकल रही है गाइज, ये मुझे कुछ अच्छी नहीं लग रही, बहुत ज़्यादा खतरनाक लाइन लगती है। यहाँ पर देखो भाई साहब गाइज कैनी डोमिनेट करते हुए, क्योंकि गाइज काइरो को तो मतलब काइरो तो कोई हिट ही नहीं दे रहा कैनी को, इसीलिए गाइज कैनी पूरा काइरो को डोमिनेट कर रहा है। ये देखो गाइज कैनी अपनी स्वर्ड लेकर काइरो के ऊपर आ गया, मगर गाइज काइरो वहां से निकल गया। नहीं गाइज ये क्या हो रहा है। अबे भाई काइरो और कैनी दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं, लेकिन गाइज दोनों एक दूसरे को मार ही नहीं पा रहे, पता नहीं गाइज ये क्या मसला आ चुका है। और गाइज यहाँ पर देखो काइरो तो कैनी से डरकर दूर भाग रहा है, पता नहीं गाइज ये काइरो जीत भी पाएगा या फिर नहीं। एक मिनट ये अपनी दोबारा से पावर का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन एक मिनट गाइज कैनी ने उसको लावा में ट्रैप कर दिया। कैनी के पास बहुत ही ज्यादा खतरनाक सी पावर है जिसकी वजह से वो लावा में। अबे भाई गाइज काइरो ने कोई तो बाउंड्री बनाई थी फायर से, और गाइस कैनी ने उसी बाउंड्री के आर पर अपनी पावर मार दी, जिससे गाइस काइरो लावा में बिल्कुल ट्रैप हो गया था। एक मिनट गाइस यहां पर दोबारा से एक बार फिर से ये लोग आमने सामने आ चुके हैं, और गाइस कैनी तो स्वर्ड लेकर उसके ऊपर उड़ उड़ कर आ रहा है। और गाइस काइरो भी कम नहीं है, क्योंकि गाइस ये भी अपनी पूरी पावर को यूज कर रहा है। अबे एक मिनट गाइस इनके बीच स्वर्ड से फाइट स्टार्ट हो चुकी है। ये देखो काइरो एक तरफ से मार रहा है तो एक तरफ से कैनी, भाई साहब। और गाइज इनकी स्वर्ड देखो कितनी ज्यादा खतरनाक लग रही है, एक तरफ से वो तो एक तरफ से ये, देखना पड़ेगा गाइज किसकी स्वर्ड में ज्यादा पावर है तो वही जीत जाएगा। अभी भाई गाइज ये लोग तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, एक हेड कोई किसी को, एक हेड कोई किसी को। वैसे गाइज आपको क्या लगता है कि कौन जीतने वाला है यहाँ पर। भाई साहब मुझे ऐसा लगता है गाइज कोई ना कोई तो एलिमिनेट होने वाला है यहाँ पर। एक मिनट गाइज काइरो ने भाई साहब दिमाग लगाकर उसको फायर में ट्रैप कर दिया, लेकिन गाइज उसको ये खुद भी भारी पड़ गया, क्योंकि गाइज वो खुद भी फायर में आ गया। एक मिनट गाइज ये क्या कर रहा है काइरो। गाइज जैसा कि कैनी ने एक दफा फिर से काइरो को लावा में ट्रैप कर दिया, लेकिन गाइज काइरो कैसे भी कर अपनी फ्लाइंग एबिलिटी की वजह से वहां से निकल तो रहा है, मगर एक मिनट ये क्या गाइज कैनी ने तो इसे पूरी तरह से पकड़ लिया है। ये देखो दोबारा से लावा ट्रैप कर दिया, भाई साहब ये कैनी इसके साथ क्या कर रहा है। गाइज इसको लावा से तो निकल ही नहीं देगा ये अब। ओके गाइज लगता है कि ये अपनी फ्लाइंग एबिलिटी यूज करने वाला है, और ये देखो ये निकल भी गया, लेकिन गाइज ऐसा लगता है कि काइरो मतलब कोई तो पावर यूज करने की कोशिश कर रहा है, मगर वो उससे नहीं हो रही। एक मिनट गाइज कैनी भाई साहब ऐसा लगता है कि आज तो इसे एलिमिनेट कर ही छोड़ेगा। और एक सेकेंड गाइज ये कैनी अपनी कौन सी पावर यूज कर रहा है, इसकी मदद से तो पता नहीं गाइज काइरो को कितना ज्यादा डैमेज पड़ जाएगा। ओके गाइज लगता है कि कैनी सही टाइम का इंतजार कर रहा है, और ये मिल गया से सही टाइम। अब देखते हैं गाइज ये काइरो के साथ क्या करने वाला है। ओके इसने गाइज अपनी पावर यूज कर दी, और गाइज वहां पर देखो काइरो तो बिल्कुल परेशान हो चुका है कि अब वो करे तो करे क्या। गाइज क्या आपने देखा जैसे ही कैनी ने अपनी पावर यूज की तभी गाइज वो जो पावर थी ना वो काइरो को अपनी तरफ खींच रही थी। और गाइज एक मिनट काइरो भी अपने डिफेंस के लिए कुछ तो मतलब पावर यूज कर रहा है, जैसे कि फायर्स और गाइज बाकी सारा कुछ। लेकिन गाइज एक मिनट काइरो की तो ऊपर ही कैनी पता नहीं कौन सी डेडलीस्ट पावर यूज कर रहा है अपनी। और गाइज ये देखो काइरो दोबारा से वहां से निकल चुका है, लेकिन गाइज मुझे ऐसा लगता है कि काइरो ना मेरा मतलब कैनी बिल्कुल सही टाइम का इंतजार कर रहा है। जैसे गाइज काइरो अपनी जगह पर रुकेगा, अरे एक मिनट गाइज
कायरो को देखो गाइस, ऐसा लगता है कि कैनी ने अपनी पावर की मदद से कायरो को वहीं पर रोक दिया है। एक सेकंड गाइस, ऐसा एक मिनट। ओके फाइनली गाइस, कायरो ने कैसे भी कर कैनी का ट्रैप मतलब एस्केप कर लिया। और गाइस अब देखते हैं कि कायरो आगे क्या कर सकता है। और गाइस अगर तो कायरो को ये फाइट जीतनी है तो गाइस उसे कैसे भी कर कैनी के ऊपर कोई तो अपनी ऐसी पावर यूज करनी होगी जिसकी वजह से गाइस वो एक अच्छा सा कमबैक कर दे। एक मिनट गाइस, कैनी ने दोबारा से उसे ट्रैप कर लिया है। लेकिन गाइस इस बार देखो, कायरो तो चारों तरफ निकलने की मतलब कोशिश कर रहा है, इधर उधर हाथ पैर चला रहा है, मगर गाइस कैनी उसे छोड़ ही नहीं रहा। एक मिनट गाइस, लगता है कि कायरो ये छुड़ाने वाला ट्रैप। ओके गाइस, देखते हैं कि कायरो ये ट्रैप छुड़ा पाता है या फिर गाइस यहाँ पर बहुत ही। एक मिनट, ओके गाइस, कायरो ने भाई सब फाइनली सक्सेसफुली मतलब वो जो ट्रैप था ना वो मतलब एस्केप कर लिया। और गाइस कैनी बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि कैसे भी कर इसको अपनी पावर में मतलब ट्रैप कर ले और बहुत ही खतरनाक वाला ब्लास्ट कर दे, लेकिन गाइस वो नहीं हो पा रहा कैनी के हाथों। एक मिनट गाइस, दोबारा से वो ट्राई कर रहे हैं, इस बार देखते हैं क्या कायरो मतलब यहीं पर एलिमिनेट हो जाएगा या फिर गाइस दोबारा से एक बार फिर से कायरो अपनी पावर का यूज़ कर यहाँ से निकल जाएगा। एक मिनट गाइस, दोबारा से कैनी उसके ऊपर अटैक करने लग गया। गाइस यहाँ पर देखो भाई साहब, और गाइस इस बार कैनी बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहा है और गाइस इसकी पावर भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक सी लग रही है। एक मिनट गाइस, यहाँ पर देखो कितना ज्यादा बड़ा ब्लास्ट हो चुका है और गाइस मुझे ऐसा लगता है कि कायरो को बहुत ही ज्यादा डैमेज पड़ चुका है। लेकिन गाइस देखना पड़ेगा क्या कैनी यहाँ पर इसे खत्म कर पाएगा, क्योंकि गाइस कायरो तो अभी कुछ भी करने की हिम्मत नहीं रख रहा। एक मिनट गाइस, वो ओके फ्लाइंग एबिलिटी यूज कर रहा है, लेकिन नहीं, जिसका डर था गाइस कायरो को वही हुआ। कैनी अपनी और भी मतलब स्पेशल एबिलिटी यूज कर रहा है। नहीं गाइस, कैनी ने तो बीम वाली पावर यूज की और गाइस कायरो के ऊपर बीम ड्रॉप कर दी, मेरा मतलब कायरो के ऊपर बीम फेंक रहा है वो। और गाइस साथ ही में कायरो यहाँ से नहीं निकल पा रहा। और गाइस फाइनली कैनी ये कंपटीशन जीत चुका है, मतलब गाइस ये मैच कैनी जीत गया और गाइस इसने कायरो को बहुत ही गंदी तरह से एलिमिनेट कर दिया। अब गाइस चलते हैं अपने दूसरे राउंड की तरफ, जो कि गाइस होने वाला है एक बहुत ही खतरनाक एंटिटी के बीच में। और गाइस वो एंटिटी कौन है मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है गाइस, मुझे पता है कि आप लोग समझ गए होंगे। जी हाँ गाइस, वो है हीरो ब्रायन वर्सेस एंटिटी ओमेन। गाइस क्या लगता है कि कौन जीतेगा? ओके तो इस राउंड को शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो एक तरफ से आने वाले हमारे जाने माने एंटिटी हीरो ब्राइड, और गाइस वहीं दूसरी तरफ आने वाले है इसका सबसे बड़ा एनिमी एंटिटी ओमेन। जी हाँ गाइस, ये दोनों करने वाले ये वाली फाइट, देखते हैं गाइस कौन जीतेगा। वैसे गाइस आप लोग वीडियो पॉज कर जल्दी से कमेंट में बता दो, अरे भाई एंटिटी ओमेन तो पहले ही शुरू हो गया। ओके हीरो ब्राइन एंटिटी ओमेन, मैं जब बोलूंगा तभी स्टार्ट करना। भाई साहब पता नहीं गाइस ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर। और गाइस हीरो ब्राइन को देखो भाई साहब, अपनी पता नहीं कौन कौन सी पावर यूज कर रहा है। ओके हीरो ब्राइन, 3 2 1, ओके एंटिटी ओमेन तुम्हें रेडी होना स्टार्ट। भाई सब गाइस फाइट स्टार्ट हो चुकी है। और गाइस ये हीरो ब्राइन वाटर कप से फेंकने लग गया, अबे भाई ये कौन सी पावर लेकर आया हीरो ब्राइन अभी। ओके और गाइस ये एंटिटी ओमेन को देखो भाई सब उसके ऊपर कैसे अटैक कर रहा है वो। भाई गाइस ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक है। लेकिन एक मिनट गाइस, हीरो ब्राइन क्या इनविंसिबल हो चुका है क्या, क्योंकि गाइस इसे अटैक का ओके अब हो रहा है आसानी से अटैक का। एक मिनट गाइस, ये हीरो ब्रांड तो जमीन भाई साहब खोद कर अंदर चला गया। और गाइस यहाँ पर देखो फ्लाइंग किक, मेरा मतलब गाइस फ्लाइंग हिट, भाई साहब हीरो ब्रांड ने तो उसे आसमान पर ही इतने जोर का मार दिया। और गाइस यहाँ पर देखो जैसे ही हीरो ब्रांड उसे हिट कर रहा है तभी गाइस हीरो ब्रांड हाईलाइट हो जा रहा है, पता नहीं गाइस कैसे। और गाइस यहाँ पर देखो भाई एंटिटी ओमेन को पता नहीं गाइस कितने ज्यादा हिट लग गए, लेकिन एंटिटी ओमेन भी कम नहीं, क्योंकि गाइस वो अपनी पावर की मदद से हीरो ब्रांड को फायर से मतलब डैमेज दे रहा है। ओके यहाँ पर देखना पड़ेगा। एक मिनट गाइस, हीरो ब्रांड अपनी लाइटनिंग पावर यूज कर रहा है, ऐसा लगता है गाइस वो लाइटनिंग पावर से अपने आप को हील कर रहा है। ओके देखना पड़ेगा यहाँ पर वो, भाई एक सेकंड गाइस, ये हीरो ब्रांड कौन सी पावर यूज कर रहा है एंटिटी ओमेन के ऊपर, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। गाइस आप लोग वैसे बताना कि आपको ये पावर का पता था या फिर नहीं। भाई साहब ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक पावर लगती है, जैसे गाइस ये किसी सरफेस से टच कर रही है ना, जैसे ही टच कर रही है तभी गाइस वहां पर बहुत ही ज्यादा बड़ा ब्लास्ट हो रहा है। लेकिन गाइस यहां पर देखो एनडीटी ओमेन ने ये क्या स्पॉन कर दिया। गाइस एनडीटी ओमेन ने अपने प्रोटेक्शन के लिए पता नहीं गाइस कोई तो स्कॉर्पियन टाइप कुछ तो स्पॉन किया और गाइस ये गायब हो गया। भाई साहब ये क्या चल रहा है। ओके गाइस देखना पड़ेगा कि एंटिटी ओमेन अभी हीरो ब्रांड को किस पावर की मदद से अटैक करता है। एक मिनट गाइस, ये एंटिटी ओमेन यहाँ पर क्या कर रहा है, लगता है गाइस ये हीरो ब्रांड का मूव्स नोटिस कर रहा है। और गाइस नोटिस करने के बाद ना ये गंदे वाला अटैक करने वाला है हीरो ब्रांड के ऊपर, मुझे तो ऐसे ही लगता है गाइस, बाकी आप लोग बताना। एक मिनट गाइस, ये स्वर्ड लेकर कहाँ पर जा रहा है, अबे भाई इतनी बड़ी स्वर्ड गाइस ये हीरो ब्रांड को मारने जा रहा है। लेकिन गाइस ये क्या, हीरो ब्रांड तो डर कर पीछे भाग रहा है।
गाइस एक मिनट गाइस, ये हीरो ब्रेन ने किया या फिर एंटिटी ओमन ने खुद? भाई साहब पता नहीं, एंटिटी ओमन 2 मिनट के लिए फ्लोट हो गया था, वो भी आसमान में। एक मिनट गाइस, ये हीरो ब्रेन क्या कर रहा है भाई साहब? गाइस हीरो ब्रेन तो सरफेस उखाड़ कर उसके ऊपर मार रहा है। अबे भाई गाइस आपको क्या लगता है? यहाँ तक तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि एंटिटी ओमेन का 50% चांस है और गाइस हीरो ब्रेन का भी 50% चांस है जीतने का, क्योंकि गाइस दोनों ही एक दूसरे को डोमिनेट कर रहे हैं। जैसा कि गाइस आप लोग देख ही सकते हो, एंटिटी ओमेन अपनी सन पावर की मदद से, मेरा मतलब गाइस ये जो कौन सी पावर है, और गाइस हीरो ब्रेन यहीं पर, मतलब एक मिनट भाई सब, गाइस हीरो ब्रेन को तो बहुत ही ज्यादा गंदे वाला डैमेज मिल रहा है, और गाइस एंटिटी ओमेन अभी भी पीछा नहीं छोड़ रहा उसका। ओके हीरो ब्रेन तो जमीन के अंदर चला गया, और गाइस ये एंटिटी ओमेन अपनी कौन सी पावर यूज कर रहा है भाई? ये कौन सी पावर है? और गाइस ये हीरो ब्रेन दोबारा से आया और अपनी स्वर्ड की मदद से क्या ये हिट कर पाएगा? अबे भाई गाइस एक मिनट, ओके फाइनली गाइस हीरो ब्रेन ने एंटिटी ओमेन को एलिमिनेट कर दिया, वो भी गाइस सिंगल हिट की मदद से। गाइस आपने देखा वो आसमान में उड़ कर आया और गाइस एकदम से पीछे से अटैक कर दिया, जिससे गाइस एंटिटी ओमेन अपने आप को डिफेंस नहीं कर पाया। ओके गाइस तो चलते हैं नेक्स्ट राउंड में। भाई साहब बहुत ही ज्यादा एपिक वाला राउंड था, और ऑफ कोर्स गाइस हीरो ब्रेन को जीतना ही था। ओके गाइस चलते हैं नेक्स्ट राउंड की तरफ, और गाइस इस राउंड में आने वाले हैं गाइस आपको, गाइस आप लोग सुनकर खुश हो जाओगे। तो गाइस एक तरफ से आने वाले यहां पर नल, जो कि गाइस अपनी ब्लैक मैजिक की वजह से बहुत ही ज्यादा जाने जाते हैं, और गाइस वहीं दूसरी तरफ एक ब्लैक है तो दूसरा भी ब्लैक एंटिटी होगा लाला गाइस, जिसकी पावर का आपको पता ही होगा, वो अपनी एक्स से कितना गंदा अटैक करता है। ओके गाइस फाइट स्टार्ट हो चुकी है, और गाइस मैंने तो अभी स्टार्ट का बोला भी नहीं, मगर गाइस देखते हैं कि कौन जीतेगा इसमें। भाई साहब होगा लाला तो अपनी पावर यूज कर रहा है वही 10 ब्लॉक के जितनी जंप मार कर, और गाइस इसकी स्पीड मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा तेज होगी, क्योंकि गाइस आपको तो पता ही है होगा लाला की स्पीड कितनी ज्यादा तेज होती है। एक मिनट ये लोग रुक क्यों गए? अबे भाई ओके होगा लाला भी मतलब अपनी पावर यूज कर रहा है, लेकिन गाइस ये लोग रुक क्यों गए यहाँ पर? ओके गाइस होगा लाला इसके ऊपर अटैक करने आया, लेकिन गाइस ये नल का कौन सा, भाई साहब ये नल ने कौन सी पावर यूज की? अबे भाई और गाइस ये पता नहीं कौन सा क्रॉस बना दिया ब्लैक कलर का। ओके गाइस देखते हैं, अबे भाई ये नल कौन से ब्लैक मैजिक कर रहा है यहाँ पर? तो देखो गाइस कहीं ऐसा ना हो कि ये अपने आप को होगा लाला को मतलब अपने कब्जे में कर ले, और दोनों के बीच खतरनाक वाली फाइट चल रही है। वैसे गाइस आप लोग बताओ कि कौन जीतेगा इन दोनों में से, आप लोग किसके साथ होगा लाला या फिर नल? एक तरफ होगा लाला तो हीरो ब्रेन के साथ है, और गाइस दूसरी तरफ वही नल जो है वो एंटिटी 303 और एंटिटी ओमेन के साथ है, वैसे आप लोग बताना। और गाइस यहाँ पर देखो नल उसे पूरा डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि गाइस होगा लाला जैसे ही करीब मारने आ रहा है तभी गाइस नल अपनी कोई ना कोई तो पावर यूज कर रहा है, जिसकी मदद से गाइस वो बहुत ही गंदा पीट रहा है। एक मिनट गाइस होगा लाला ने अपनी एक्स से उसे हिट तो किया है, एक मिनट गाइस होगा लाला दोबारा से आ रहा है, और गाइस इसकी स्पीड भी इतनी ज्यादा तेज है नल इसे ट्रैक नहीं कर पा रहा, और गाइस होगा लाला को देखो भाई साहब कितने जोर जोर से मार रहा है उसे। ओके गाइस भाई गाइस नल अपनी पावर चारों तरफ से यूज करने की कोशिश कर रहा है, मगर गाइस होगा लाला अपनी स्पीड की मदद से उसे डोमिनेट कर रहा है पूरा का पूरा, और गाइस यहाँ पर देखो जंप मारकर उसे कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है। भाई साहब गाइस मुझे ऐसा लगता है कि पूरे का पूरा होगा लाला अभी डोमिनेट कर रहा है, इसीलिए गाइस होगा लाला का चांस है 70% जीतने का, और गाइस वही नल का चांस है 30%। ओके ये नल अपनी भाई साहब कौन सी पावर यूज कर रहा है, और गाइस ये कौन सा वेपन निकाल कर बैठा है ये भाई साहब? फिशिंग रॉड से क्या करेगा? ओके अब आया ना नल फॉर्म में, भाई साहब इसने पता नहीं अपनी कौन सी पावर यूज की जिससे गाइस वो क्रॉस बन गया, और गाइस होगा लाला को बहुत ही ज्यादा डैमेज हुआ। गाइस क्या आपने नल की ऐसी कभी पावर्स देखी है या फिर नहीं? एक मिनट गाइस नल ने एक्स से अटैक किया, और गाइस इतने ज्यादा हार्ट भी होगा लाला के चले गए, लेकिन गाइस होगा लाला भी कम नहीं, वो भी उसे बहुत ही खतरनाक तरीके से एक्स से मार रहा है। ओके भाई नहीं गाइस ये क्या, वेट गाइस होगा लाला लगता है कि पीटने वाला है, क्योंकि गाइस होगा लाला की हेल्थ बहुत ही ज्यादा जा चुकी है, लेकिन गाइस आप लोग ये भी नहीं समझ सकते कि होगा लाला एक नॉर्मल सा प्लेयर है। गाइस जाहिर सी बात है वो भी एक एंटिटी है, तो वो भी कुछ भी कर सकता है एंड तक, ऐसा भी हो सकता है गाइस वो नल को मतलब हरा दे। भाई एक मिनट गाइस ये नल ने उसके ऊपर लाइटनिंग स्ट्राइक कर दी, अरे भाई साहब गाइस ये नल अपनी कौन सी पावर यूज कर रहा है होगा लाला के ऊपर? ऐसे तो होगा लाला नहीं जीत पाएगा। ओके फाइनली गाइस नल ने उसे बहुत ज्यादा डैमेज दिया है, क्या नल इसे हरा पाएगा इस बार या फिर नहीं? गाइस देखते हैं, यहाँ पर होगा लाला चारों तरफ से आकर इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, और गाइस ऐसा लगता है कि होगा लाला इस बार पैनिक कर चुका है, क्योंकि गाइस आप लोग खुद ही देखो ये चारों तरफ घूम रहा है, और गाइस ये ना बचने की कोशिश कर रहा है। नहीं गाइस ये दोनों तो
आमने सामने आ गया है और गाइस एक दूसरे को एक हिट कर रहे हैं। मेरा मतलब गाइस एक हिट वो मार रहा है, एक हिट ये मार रहा है। ये क्या गाइस, नल दोबारा से अपनी कोई तो पावर यूज कर रहा है जिसकी वजह से गाइस होगा नल को और भी खतरनाक वाला डैमेज मिल रहा है। गाइस कहीं ऐसा ना हो कि नल यहीं पर इसे खत्म कर दे। गाइस यहाँ पर अपनी पावर तो पूरी की पूरी यूज कर रहा है नल। देखते हैं गाइस क्या होगा, लाला इससे बच पाएगा या फिर गाइस होगा लाला का अंत यहीं तक था। देखते हैं। ओके गाइस यहाँ पर नल उसे दोबारा से अटैक कर रहा है और गाइस होगा लाला की हेल्थ बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी है। और गाइस साथ ही में एक मसले की बात यह है कि होगा लाला अपनी हेल्थ इतनी जल्दी रीगेन कर भी नहीं सकता। तो गाइस ये डिसएडवांटेज होने वाला होगा लाला के लिए। और गाइस यहाँ पर नल इसे दो बार हिट कर चुका है और देखते हैं तीसरी बार में मरेगा या फिर नहीं, क्योंकि गाइस हेल्थ बहुत ज्यादा कम है। तीसरी बार हिट हो गया, लेकिन गाइस क्या चौथी बार में होगा लाला खत्म हो जाएगा? ओके चौथी बार हो गया, क्या पांचवी बार में हो जाएगा, क्योंकि गाइस हेल्थ बहुत ज्यादा कम। और फाइनली गाइस यहाँ पर विनर है नल। गाइस आपने क्या प्रिडिक्शन की थी, वैसे आप लोग बताना कि आप लोग सही थे या फिर नहीं। और गाइस साथ ही में आप लोग ये भी बताना क्या आपको ये वीडियो पसंद आई, क्या मुझे और बनानी चाहिए। और गाइस बाकी आप लोग बता देना, अगर तो मुझे बनानी चाहिए तो आप लोग कौन कौन से एंटिटीज देखना चाहोगे। तो गाइस आज का रिजल्ट तो था हीरो ब्राइन और गाइस साथ ही में नल और साथ ही में वो कौन एंटिटी था, हाँ मुझे याद आया, कैनी। कैनी हीरो ब्राइन नल जाते हैं अगले मतलब राउंड के लिए सेमीफाइनल या क्वार्टर फाइनल। बाकी गाइस आप लोग इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय।